Assalamualaikum guys, hope you're all doing well. आज का व्लॉग हम एक स्नैक रेसिपी से स्टार्ट कर रहे हैं बिकॉज इट्स बिन अ वाइल हमने कोई कुकिंग या रेसिपी वीडियो अपलोड नहीं की. आज हम चीज़ी पोटैटो ड्रमस्टिक्स बना रहे हैं एंड उसके लिए हमें चाहिए होंगे 4 मीडियम साइज बॉयल पोटैटो, 6 चिकन लेग पीसेस, 1 कप मोजरेला चीज़, 1/2 कप चेडर चीज़, 1 छोटी कटी हुई प्याज, 1 टीस्पून काली मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून सॉल्ट और लास्टली 1 टीस्पून मस्टर्ड पेस्ट. तो सबसे पहले हम चिकन लेग पीसेस को 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल में फ्राई कर लेंगे और तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता. फ्लेवर के लिए इसमें 1 चुटकी नमक और काली मिर्च ऐड करके इसे मिक्स कर लें और थोड़ी देर बाद इसमें 1.5 ग्लास पानी ऐड करके 1 टीस्पून क्रश गार्लिक भी ऐड कर लें. अब चिकन को एटलीस्ट 15 मिनट के लिए कुक कर लें और जब ये अच्छी तरह से कुक हो जाए तो चिकन को श्रेड कर लें और मेक श्योर आप हड्डियों को अच्छी तरह से क्लीन कर लें. नेक्स्टली अब हम श्रेडेड चिकन और मैश्ड पोटैटोज़ को मिक्स कर लेंगे और इसके अंदर प्याज, चेडर चीज़ और बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स जो प्रीवियसली मेंशन्ड हैं वो ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे. ड्रमस्टिक्स की कोटिंग के लिए बैटर बनाने के लिए हम 2 अंडे विस्क कर लेंगे और इसके अंदर 1 टीस्पून सोया सॉस और चिली सॉस ऐड करके उसे साइड पर रख देंगे फॉर द टाइम बीइंग. अब हम ड्रमस्टिक्स की असेंबलिंग स्टार्ट करेंगे. मेक श्योर जो बोन्स आपने क्लीन की थी वो आप फेंके ना क्योंकि उसके अराउंड ही हम अपनी ड्रमस्टिक्स कंस्ट्रक्ट करेंगे. इसको असेंबल करने के लिए हम पोटैटो और चिकन मिक्सचर के बीच में थोड़ी सी मोज़रेला और चेडर चीज़ डालेंगे और इसे बोन के अराउंड ऐसे शेप कर लेंगे कि ये चिकन लेग पीस लगे. असेंबलिंग के बाद इसे एग मिक्सचर और मैदे में कोट करके हम मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे. And that's all. Drumsticks are ready. And ये relatively बहुत easy snack recipe है compared to others. अगर आपका potato and chicken mix बच गया है तो आप उसे store भी कर सकते हैं and later उसके cutlets भी बना सकते हैं. Anyways, moving on with the vlog. आजकल UAE का मौसम थोड़ा सा चिली हो गया है जैसे हो जाता है मिड नवंबर एंड दिसंबर में. तो हम काफ़ी टाइम से रोड ट्रिप पर जाने का सोच रहे थे क्योंकि शारजा से फुजैरा और मसाफ़ी जैसी जगहें जाना बहुत हैसल हो जाता है एक तरह से, लेकिन इस बार हमने सोचा कि हम खुरफ़ान विज़िट कर ही लें. तो हम अराउंड लंच के बाद निकल गए थे क्योंकि वीकडे था तो रोड पर बहुत कम रश था. हम काफ़ी जल्दी खुरफ़ान का थ्रेशहोल्ड क्रॉस कर चुके थे एंड उस दिन धूप भी बहुत कम थी विच इज़ वाई द स्काई लुक्ड सो ब्लू एंड गॉर्जियस.
हम ज़्यादातर पिकनिक्स वगैरह कॉर्निश या बीचेस पे प्रेफर करते हैं, बट फजेरा या मसाफी आना बहुत डिफरेंट सा लगता है, बिकॉज इट डजेंट मैटर कि आपने माउंटेन्स, डेजर्ट एंड सैंड ड्यून्स पहले देखे हों, हमेशा लगता है कि आप फर्स्ट टाइम ही देख रहे हैं. ऑब्वियसली फॉर द पीपल हु डोंट लिव इन फजेरा, देयर इज समथिंग रियली मैजेस्टिक अबाउट माउंटेन्स. एनी वेज, बिकॉज शारजा से खुरफकान ड्राइव काफ़ी लंबी थी डिस्पाइट लेस ट्रैफिक, तो हम पूरी प्रिपरेशन के साथ गए थे, फ्रॉम मूवीज टू बुक्स हर चीज़ प्रिपेयर्ड थी, एंड आई थिंक दैट्स द एक्साइटिंग पार्ट ऑफ रोड ट्रिपिंग. तो यहाँ से थोड़ा रॉकी एरिया स्टार्ट हो गया था, माउंटेन्स व्यू में आ गए थे, एंड बेस्ट पार्ट ये था कि रोड बिल्कुल क्राउडेड नहीं थे, बिल्कुल ट्रैफिक नहीं था, तो ऐसे व्यू एडमायर करने में और भी मज़ा आ रहा था. हम सबसे पहले इनिशियली खुरफकान की हाइकिंग ट्रेल पर जाने वाले थे, बट अनलकीली हमारे शूज़ वगैरह वर नॉट अप फॉर हाइकिंग एंड क्लाइंबिंग अप द माउंटेंस. आई रिमेंबर लास्ट टाइम हम यहाँ आए थे, तब गर्मियों का टाइम था एंड बहुत ज़्यादा गर्मी थी उस वक्त, एंड आई डोंट थिंक मैं गर्मियों में हाइकिंग या माउंटेन क्लाइंबिंग प्रेफर करूँगी. एंड आई थिंक लास्ट विंटर्स में हम फजेरा तो नहीं आए थे, बट हम बारबेक्यू करने अलजैद गए थे, एंड तब पीक विंटर्स चल रहे थे, तो बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही थी, टू द पॉइंट हम सब जैकेट्स में भी शिवर कर रहे थे, बट इट वाज अ रियली गुड एक्सपीरियंस. तो यहाँ हम टनल्स का थ्रेशहोल्ड इंटर कर चुके थे. अपेरेंटली ये सबसे लॉन्गेस्ट टनल्स हैं जो शारजा और खुरफकान को कनेक्ट करते हैं, एंड दे वर ऑल वेरी वेल केप्ट. यूएई का हर सिटी इतना एडवांस होता जा रहा है, सो नेचुरली इट वाज अ वेरी नाइस डेवलपमेंट टू सी अराउंड द माउंटेन्स. अराउंड 5 टनल्स थे, एंड आई वुड से कि पांचों इक्वली लॉन्ग थे, बट आई थिंक पांचों में से एक सबसे बड़ा था, एंड लास्ट टनल काफ़ी छोटा था. अगेन क्योंकि रोड्स खाली थे एंड वीकडे था, लोग कम हों तो पिकनिक्स एंड रोड ट्रिप्स का ज़्यादा मज़ा आता है एज़ पर मी. मैं पर्सनली वीकडेज़ पर जाना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि यूजुअली पिकनिक प्लेसेस वीकेंड्स पर इतनी क्राउडेड और फुल हो जाती हैं, इट फील्स क्लॉस्ट्रोफोबिक ऑलमोस्ट. लेकिन जब यही पिकनिक प्लेसेस वीकेंड्स पर थोड़ी कम क्राउडेड होती हैं, इट गिव्स अस बेटर सेंस ऑफ फन, एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई थिंक. एनी वेज, ये लास्ट टनल था जो हमने क्रॉस किया था, एंड उसके बाद हम रफेसा डैम पहुँच गए थे, एंड मेरे लिए आई थिंक रफेसा डैम क्वालिफाइज एज द बेस्ट पिकनिक स्पॉट, स्पेशली क्योंकि वो बिल्कुल एक वैली की तरह है. इट्स बिल्ट अराउंड माउंटेंस, इट्स लाइक बींग ऑन एन आइलैंड जहाँ पर सब कुछ अवेलेबल हो, फ्रॉम आइसक्रीम पार्लर टू सुपर मार्केट्स एंड वॉट नॉट. अगेन वीकडे पर यहाँ रश नहीं था बिल्कुल भी, बट इस ट्रिप के बाद हम 2 दिसंबर को गए थे एक्सटेंडेड फैमिली के साथ, एंड यहाँ लिटरली पाँव रखने की भी जगह नहीं थी. रश की वजह से आई थिंक काफ़ी अट्रैक्शंस बंद भी हो गई थी खुरफकान में, बट एवरीबडी नो 2 दिसंबर्स क्राउड इज़ टोटली इनसेन. As you guys can see, view इतना खूबसूरत और सीनिक था, एंड वहाँ पर लोग पूरा पूरा डे स्पेंड करने आए हुए थे. साइट सीइंग, कुकिंग, बोटिंग सब अवेलेबल था, बट आई गेस स्विमिंग इन द डैम वाटर वॉज ऑफ लिमिट्स. बट डैम के अराउंड जिस तरह से ये पूरा एरिया कंस्ट्रक्ट
हुआ हुआ था, इट वॉज नो लेस देन मैजिकल। आउटडोर चिल्ड्रंस प्ले एरिया भी अवेलेबल था एंड इतने रैविशिंग फ्लावर्स एंड बुशेस प्लांट की हुई थी इन अबंडेंस, इट ट्रूली फेल्ट लाइक पैराडाइज, क्योंकि सब इतना ग्रीन और नेचुरल लग रहा था, आई डिडंट फील लाइक मैन मेड एट ऑल। नेक्स्ट हमने पैडल बोटिंग ट्राई की। वहाँ पैडल बोटिंग के अलावा भी आई थिंक 2-3 और ऑप्शंस भी अवेलेबल थे, बट पैडल बोटिंग मॉडरेटली ईजी लग रही थी, सो वी ऑप्टेड फॉर दैट। इवन दो इट वॉज डैम वाटर एंड डैम वाटर इतना डीप नहीं था, फिर भी सारे सेफ्टी और हेल्थ प्रिकॉशंस इंटैक्ट थे। हमें लाइफ जैकेट्स दी गई थी एंड लाइफ गार्ड्स अवेलेबल थे, एंड साथ ही लाइफ जैकेट्स सैनिटाइज भी हो रही थी बिफोर दे पास इट ऑन टू समवन एल्स। It was such a welcomed experience and क्योंकि paddling हमने पहले नहीं की थी कभी, it was not that hard to get the hang of, just boat को paddle करना था and navigation के लिए एक lever accessible था, तो it was easy enough। हमें पूरे around 30 minutes का time मिला था and as fun as it was, 30 minutes तक paddling करते करते पाँव बहुत numb हो गए थे and by the time हम boat से बाहर आए, it was slightly difficult to walk but it was all worth it। We also spotted some gorgeous ducks in the dam water जो freely वहाँ घूम रही थी। We also saw a Bambi or two mountains में। It was such a brief experience क्योंकि हम वहाँ proper picnic के लिए नहीं गए थे, but it was also therapeutic and worth it। आइसक्रीम, स्नैक्स और थोड़ी साइट सीइंग करने के बाद हम रास्ते में फाउंटेन की तरफ रुक गए। इट वॉज़ लाइक अ बिग पब्लिक पार्क बट इट वॉज़ सो सीरीन, लोगों की हसलिंग बसलिंग बिल्कुल नहीं थी वहाँ। एवरीथिंग अबाउट खुरफ खान वॉज समवट क्यूरेटिव। इफ़ आई हैड टू चूज, आई थिंक आई ऑलमोस्ट प्रेफर लिविंग सम प्लेस लाइक खुरफ खान। एनीवेज मूविंग ऑन, ये व्लॉग हमने 2 December से पहले फिल्म किया था, हेंस द डेकोरेशंस। हमने एक्चुअली 2 December का व्लॉग भी फिल्म करना था बट बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा क्राउड दिस टाइम हमें बिल्कुल भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली।
लास्टली घर वापस जाते वक्त हमारा लास्ट स्टॉप पेट्रोल पंप था, वहाँ हमने KFC खाया, थोड़े और स्नैक्स लिए एंड वी वर ऑफ टू होम. सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ व्लॉग. होप यू एंजॉय द राइड टू खुरफ़ान विद अस. हैव अ ग्रेट डे और नाइट. बाय बाय.